कि राधौगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसलिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का इन आरोपियों के साथ क्या संबंध है। मैं पूछना चाहता हूं कि बुधौलिया गांव के जो लोग हैं वो किसके संरक्षण में राधौगढ़ किले के साथ जुड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या में हथियार पाया जाना और ऐसे दुर्दांत अपराधी जो पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, आखिर उस दुवलिया गांव के अंदर इतने हथियार कहां से आए, किसके संरक्षण में आए। और मैं तो कहना चाहता हूं राधौगढ़ किले के और उस क्षेत्र के दिग्विजय सिंह इस बात का जवाब दें कि उनका इन अपराधियों के साथ, इन दुर्दांत आरोपियों के साथ क्या संबंध है। स्थानीय लोगों का आरोप है, जो जहां तक मुझे सूचनाएं मिली हैं, राधौगढ़ के स्थानीय लोगों का ये मानना है, उनका आरोप है कि राधौगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसलिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का इन आरोपियों के साथ क्या संबंध है। इन अपराधियों का जो दुर्दांत अपराधी है, इनका क्या संबंध, इनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी और इतने दिनों तक इस प्रकार के कैसे काम करते रहे उस गांव के अंदर। पूरी सर्चिंग हो करके इतने बड़ी संख्या में हथियार किनके संरक्षण और कहां से प्राप्त हुए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह का क्या संबंध है, इसकी भी जांच एजेंसीज को इसके आधार पर करनी चाहिए कि इनका इनसे क्या संबंध है। राधौगढ़ के जो लोग एक एनकाउंटर में जो मारे गए हैं, ऐसा मारा गया अपराधी नौसाद और छह अन्य लोग जो उसके साथ में थे, इन अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जंगल में शिकार करने की जो परंपरा और शिकार करने की जो आदत इनकी कैसे इतने दिनों तक बनी रही और उन्होंने पुलिस पर दुर्दांत आक्रमण किया, आखिर इसके पीछे कौन है। जो दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में मारा गया और जो छह अन्य लोग हैं, उनका जो गांव है बुधौलिया गांव राधौगढ़ किले से लगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।